सही जानकारी है, 21 इस बार 200 पार। पहले आप आए तृणमूल कांग्रेस छोड़ के, और भी लोगों का अभी कयास लगाया जा रहा है, 4 लोग कैबिनेट की मीटिंग में नहीं मौजूद थे, क्या बड़ा झटका लग सकता है पर्सनल मैटर? देखिए हमारा देश में मल्टीपल डेमोक्रेसी है ना, मल्टीपल नंबर ऑफ पार्टी है, आप सबको अधिकार है किसी पार्टी करने का, जो पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन। मैं भी देखिए आप, मैं मिनिस्टरशिप छोड़ा, MLA रेजिग्नेशन दिया, पार्टी का मेंबरशिप छोड़ा, उसका बाद मैं एक वोटर की नाते BJP में ज्वाइन किया, इसलिए ये पर्सनल मैटर है। किस किन मुद्दों पे चुनाव करेगी इस बार जनता, क्या मुद्दे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के और जनता के लिए क्या करेगी? पहले तो काटमानी सिंडिकेट राज, वो जो भातीजा का लीडरशिप में जो चल रहा है सिंडिकेट और काटमानी, उसका खिलाफ वोट होगा। दूसरा बेरोजगार नौजवान, काम के लिए वोट लिया 9.5 साल तक, उसको कोई नौकरी नहीं मिला, और किसान और आम आदमी ने वोट करेगा बंगाल में सुशासन के लिए। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आज प्रधानमंत्री ने संबोधित किया स्टूडेंट को, फैकल्टी को, एक चिट्ठी सामने आ रही है जिसमें ममता बनर्जी को भी बुलाया गया था लेकिन नहीं गई, अब उस पर राजनीति हो रही है। देखिए इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। एक आखिरी सवाल है कि क्या मोटो क्या है, फाइनल मोटो भारतीय जनता पार्टी का इस बार क्या लेके जाएगी पश्चिम बंगाल के लोगों को, क्या फिर क्या कहाँ लेके जाएगी पश्चिम बंगाल के लोगों को, मोटो क्या है भारतीय जनता पार्टी का? सीटों से ऊपर बात करें, आंकड़ों से ऊपर। दिल्ली में, कलकत्ता में एक ही पार्टी का सरकार होना चाहिए बंगाल का तरक्की विकास के लिए। पिछले 40 साल से ज्यादा दिल्ली में जो सरकार है दूसरा पार्टी का सरकार है, इसलिए केंद्रीय स्टेट और सेंट्रल के बीच जो रिप जो खींचा तानी चल रहा है खत्म करना चाहिए, और दिल्ली में और स्टेट में एक ही पार्टी का सरकार होना चाहिए, बंगाल का लोगों का उम्मीद है। फिनेंशियल जो इकोनॉमिकल डिजास्टर है, आज जो अनएम्प्लॉयड है, इंडस्ट्री नहीं है, सेंट्रल का स्कीम इधर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, आयुष्मान भारत किसान की योजना उसका फायदा आम आदमी को नहीं मिल रहा है, इसलिए दिल्ली में कलकत्ता में एक ही पार्टी का सरकार, आम जनता का वोटर का उसका एक ही मकसद। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ये साफ किया कि क्या माहौल है पश्चिम बंगाल के अंदर और क्या पश्चिम बंगाल की जनता इस बार करने वाली है। शुभेंदु अधिकारी हु जॉइंड द बीजेपी, मैसिव टर्नआउट देयर, फ्लैंक बाय सौमित्र खान, आल्सो फॉर्मर तृणमूल कांग्रेस, नाउ पार्ट ऑफ द बीजेपी, रैली मिदनापुर वेस्ट बंगाल, टेकिंग ऑन ममता बनर्जी, सेइंग दैट फ्रॉम दिल्ली टू बंगाल देयर इज अ नीड फॉर द सेम गवर्नमेंट टू रिमेन टू एंश्योर बंगाल एक्चुअली मूव्स फॉरवर्ड ऑन डिफरेंट इंडिकेटर्स। शुभेंदु अधिकारी विल प्ले आउट द एंटायर कॉन्वर्जेशन विद हिम, अ वेरी इंटरेस्टिंग साउंड बाइट दैट शुभेंदु गेव देयर, नॉट टॉकिंग अबाउट ममता बनर्जी स्किपिंग द इवेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज दैट फाइट कंटिन्यूज। शुभेंदु अधिकारी, लेट मी गो अक्रॉस टू अनुज वंस अगेन। अनुज, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ स्लोगनियरिंग अराउंड यू, टेक अस थ्रू व्हाट्स हैपनिंग देयर, कैन यू हियर मी? आई कैन सी हिम इन द फ्रेम, परहैप्स नॉट कनेक्टेड, द ऑडियो इज नॉट कनेक्टेड देयर विथ अनुज, बट आई वॉन्ट प्ले आउट दैट सीक्वेंस वंस अगेन। Anuj's report from Shubhendu Adhikari's rally, and we'll just play that out as we stay with these pictures. Anuj is live now. Let me go across to him. Anuj, you just spoke to him. We heard that entire conversation. Shubhendu, interestingly, talking about syndicate and the syndicate in Bengal run by one party, which he also was a part of, interestingly, until the last few days. Oh, well, that was Shubhendu Adhikari. He was talking to us and he was telling us what exactly the mood is and where the population, the janta
of West Bengal is going to be this time, because that was something which was stated by Shubhendu Adhikari. We just had word with him, and the kind of support we are seeing is really massive for Bharatiya Janata Party. Also, we also talked to him about that what all will be the factors on which Bharatiya Janata Party will be fighting the election. What is the mood of the people in the state of West Bengal? So there it was stated by Shubhendu Adhikari that this is the time for change, and the visuals are speaking themselves. The kind of support we are seeing, the kind of a massive crowd gatherness we are seeing, this is numbers of people who have gathered in this very padyatra of Shubhendu Adhikari. Let me remind you that this is the first time when he joined BJP, he is doing his padyatra. I'll ask my video journalist to give you the visuals also, to give you the sense what exactly is happening on the ground level. So there you can clearly see that the visuals are speaking themselves, and the visuals are making it very much clear. The mood of the people here is very much different, which could be clearly seen. This is East Midnapur. Stay with me, I'm reporting from. Stay with me. I want to play out that conversation that you had with Shubhendu. I'm coming back to you after this quick interaction. After that interaction that you had with Shubhendu, I want to play that out first. Let's play that. मिल रहा है अपने आप बदले या तो शुरुआती रुझान है जी। देखिए मैं थोड़ी देर पहले बोला ना, ये ट्रेलर है, सिनेमा अभी बाकी है। जब एमसीसी लागू होगा ना तो ये सुनामी हो जाएगा, ये जो आंधी है ये सुनामी हो जाएगा और पूरा बंगाल के अंदर मोदी जी का लहर चलेगा। शुभेंदु जी, ममता बनर्जी लगातार पलटवार कर रही हैं अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं रखे गए। पश्चिम बंगाल की जब बात हुई, उनकी जो जमीन है ना खिंचने लगा, इसलिए नर्वस हो गया, इसलिए ये सब बात बोल रहा है। इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 9.5 साल तक कुछ नहीं किया, इसलिए अभी ये सब नहीं चलेगा। कितना कितना आप 200 प्लस की बात करते हैं अमित शाह जी, 200 प्लस की बात करते हैं, कितना बदलाव देख रहे हैं अमित शाह जी? हम लोग का नेता है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, और जो चुनाव है ना, चुनाव का गुरुदेव है, इसलिए उसका पास सही जानकारी है। 21 इस बार 200 पार। पहले आप आए तृणमूल कांग्रेस छोड़ के, और भी लोगों का अभी कयास लगाया जा रहा है, 4 लोग कैबिनेट की मीटिंग में नहीं मौजूद थे, क्या बड़ा झटका लग सकता है? पर्सनल मैटर, देखिए हमारा देश में मल्टीपल डेमोक्रेसी है ना, मल्टीपल नंबर ऑफ पार्टी है, आप सबको अधिकार है किसी पार्टी करने का, जो पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन। मैं भी देखिए आप, मैं मिनिस्टरशिप छोड़ा, MLAship रेजिग्नेशन दिया, पार्टी का मेंबरशिप छोड़ा, उसका बाद मैं एक वोटर की नाते बीजेपी में ज्वाइन किया, इसलिए ये पर्सनल मैटर है। किस किन मुद्दों पे चुनाव करेगी इस बार जनता, क्या मुद्दे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के और जनता के लिए क्या करेगी? पहले तो काटमानी सिंडिकेट राज, वो जो भातीजा का लीडरशिप में जो चल रहा है सिंडिकेट और काटमानी, उसका खिलाफ वोट होगा। दूसरा, बेरोजगार नौजवान काम के लिए वोट लिया, 9.5 साल तक उसको कोई नौकरी नहीं मिला, और किसान और आम आदमी ने वोट करेगा बंगाल में सुशासन के लिए। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आज प्रधानमंत्री ने